ट्रक दिखा, इनका फैक्ट्री ये गांव में होता है ना जो बनाता है धान काटने की, गेहूं काटने की मशीनें, यहीं से देखो यहीं से लद के जाती है। क्या लिखा था उस पे? KS एग्रोटेक ना, ये फैक्ट्री है सर, ये फैक्ट्री है उसका भाई, देख लो आज मलेरकोटला में है ये। फेमस है ये, क्या है ना एक्चुअली यहाँ पे ये एग्रीकल्चर का सामान बहुत मिलता है, हब है एक प्रकार का पंजाब में, मलेरकोटला। अब यहाँ से भी देखेंगे शॉर्टकट कहीं लुधियाना के लिए अगर रास्ता जा रहा हो, क्योंकि आगे जाके ना चंडीगढ़ हाईवे निकलता है ये। मैप देख ले क्या एक बार इसका? मैं अभी देख लेता हूँ, अभी तो चल ही रहा है सिटी में। मलेरकोटला नजीर स्वीट्स, पेट्रोल पंप है यहाँ पे इंडियन ऑयल का। अब थोड़ा धूप निकलने वाला हो गया है ना, बट बाहर बहुत हवा है अभी, बाहर बहुत तेज हवा चल रहा है, ये जान लो दिन में 12 बजे अभी तक धूप निकला नहीं है, मौसम खराब है ऐसे आज। साइन बोर्ड मिल रहा है, देखते कहाँ का है। साइन बोर्ड पे देखो कहाँ कहाँ लिखा है, पटियाला सीधा, लुधियाना भी सीधा, लुधियाना भी सीधा, संगरूर भी सीधा, वेलकम टू मलेरकोटला बोर्ड पे दिखाओ, थोड़ा सामने जाके सामने पहुंच रहा है तो उस फ्लाईओवर पे पहुंचते हैं उससे पहले। वेलकम टू मलेरकोटला, और ये हम पहुंचेंगे ब्रिज के ऊपर चढ़ जाते हैं ना। पहला ब्रिज मिल गया, क्या फ्लाईओवर मार्केट को बाईपास कर रहा है, क्या कर रहा है ये? मार्केट बाईपास, पटियाला भी सीधे जा रहा है ये, लुधियाना भी सीधे ही जा रहा है, पटियाला और लुधियाना लुधियाना में कहीं स्टील फैक्ट्री है, चलो उसको देख के आते हैं। रात होगा 50 किलोमीटर और क्या होगा, क्या बोलते हो? पुल तो बड़ा बनाया है, ब्रिज क्या चीज है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है क्या है? कुछ रेलवे स्टेशन जैसा दिख नहीं रहा है। नहीं नहीं, सिटी ये पूरा बाईपास कर रहा है, जो नीचे पूरा सिटी को निकाल दे रहा है बाहर बाहर। पहले मुझे लगता है जाम का समस्या होगा, उससे बचने के लिए ये बना दिया गया कि सात टर्निंग है भाई, निकल जाएगी यहाँ से। मतलब सोचो इस ये कुछ स्कूल है, कोई स्कूल लग रहा है ना। अब यहाँ से क्या सीधा राइट टर्न या यू टर्न क्या है? सीधा ही चलिए, मतलब लेफ्ट। मैं भी आज पहली बार जा रहा हूँ। हाँ देखिए बस में क्या लिखा है, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। PRTC की बसें मिल गई हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी पंजाब राज्य ट्रांसपोर्ट कंपनी PRTC, जैसे यहाँ पे PRTC लिखा है ना पंजाब राज्य, जब साउथ में जाओगे तो क्या करता है इंग्लिश में लिखता है TSTC लिखेगा, तेलंगाना स्टेट ट्रांसपोर्ट कंपनी, KSTC लिखेगा कर्नाटका स्टेट ट्रांसपोर्ट कंपनी, BMTC लिखेगा बंगलोर वाला, बंगलोर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ट्रांसपोर्ट कंपनी। वो देखिए आगे जो दिख रहा है आपको, हाँ यार कुछ है ये तो, उस साइलोज रहता है जो फूड ग्रेन्स रहता है ना उसको स्टोर करने के लिए, साइलोंस, साइलोज। मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये क्या होता है साइलोंस? ये जो फसल होता है ना अनाज अनाज, हाँ। उनको स्टोर करते हैं, और ये पूरा ऑटोमेटेड होता है, हाँ। मतलब एक जो ऊपर क्रेन दिख रहा है ना आपको, क्रेन्स के थ्रू मतलब उसमें जाएगा राशन, स्टोर होगा फिर निकलेगा, यही मुझे लगता है, बाकी अच्छा। आगे पता चलेगा। चार बना है क्या है यार बताओ कमेंट करके लोग, मुझे पता नहीं है भैया, कुछ नया चीज दिख रहा है, मैं पहली बार देखा हूँ मलेरकोटला में लगा है, कौन का आकार है, लोहे का बना है उसका बिल्डिंग, लोहे का दिख रहा है ना, लोहे का ही है, उसके ऊपर में चैन सिस्टम टाइप बना है जैसे ना, एक छोटा सा कैनाल जैसे, राइट या लेफ्ट चलना था? लेफ्ट ही चलिए, तो लेफ्ट चलते हैं, नहीं होगा घूम के आना पड़ेगा फिर। यही है मलेरकोटला ना, मलेरकोटला, ये देखिए मलेरकोटला का मार्केट है,
मलेरकोटला का मार्केट, लेकिन इतना पतली पतली सड़कें, इसमें साइलोस बोला ना उसमें लिखा भी है साइलोस ना। हाँ, इसमें मैक्सिमम जो खाने का सामान होता है ना उनको स्टोर करते हैं। ओके, और ये सब ज्यादा मिलेगा आपको बड़े पैमाने पे जहाँ बंदरगाह होता है। अच्छा। जहाँ विदेशों से मतलब अनाज जो है वो आयात या निर्यात करते हैं। ठीक है, तो उसमें उसको स्टोर करके रखा जाता है। ओके, मुझे कैसे चलना था? ये नहीं, चलिए पूछ ले।